छोटे पीसेस करके लुटेरों को खा गया। हेलो गाइस, वेलकम। आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली है कि आप कैसे OBS को यूज करते हैं। ठीक है, OBS मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कौन कौन से यूज होने सॉफ्टवेयर और कैसे यूज होने, क्या सेटिंग है उनकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं किन सेटिंग पे यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम में मेरे कहा कि यार वीडियो बना दो, तो मैंने कहा था एक वीडियो बना दूंगा मैं, तो हियर इट इज़। तो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ देख लें, यहाँ लिखा हुआ स्टार्ट स्ट्रीमिंग और यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बेसिकली हम कर रहे हैं, इसलिए वो टैब मतलब खड़ा खत्म हो गई है। तो दूसरा पहले बता दूँ, ये ओबीएस वीडियो है जो कि लाइट वर्जन है। ठीक है, एक्सट्रीम वर्जन जो अच्छी पीसीज वगैरह, अच्छी लाइव स्ट्रीम और अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है, वो स्ट्रीम लैब्स ओबीएस है। अगर आपका सिस्टम अच्छा तो आप स्ट्रीम लैब्स यूज़ करें। अगर आपका मतलब थोड़ा सा कमज़ोर है और लाइक बोझ नहीं इतना उठा सकते तो ओबीएस स्टूडियो यूज़ कर लें। दोनों की सेटिंग सेम ही होंगी, एक पे सेटिंग करके बता देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रीम से यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर अगर लाइव स्ट्रीम करनी है और इसकी स्ट्रीम की आपको मिल जाएगी आपके चैनल से, सही है, आपके चैनल पे मिल जाएगी। वो तब आपको कुछ मतलब करना पड़ेगा, वो भी नहीं पता तो फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो भी उसका भी तरीका बता दूँगा, थोड़ा अंदर जाके बेस्ट है। अगर शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाह रहे ताकि हर किसी को मतलब इसका यूज़ आ जाए। आउटपुट में 3000 KBPS, ठीक है, KBPS बिट रेट पे रखता हूँ मैं अपनी, 35 में रखा हुआ है, इस पर 3160 पे, और हमेशा ये इनकोडर हमेशा हार्डवेयर पे रखना है। ठीक है, इसका भी इनकोडर हार्डवेयर पे, और फॉर्मेट हमेशा MP4, सही है, हाई क्वालिटी मीडियम साइज फाइल। अब बेसिकली अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसलिए ये टैब बंद हुई है, तो ऑडियो कुछ नहीं छेड़ना, वीडियो में आ जाए। यहाँ पर 1080p, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका सिस्टम कोई बात आ गई, अगर आपका सिस्टम कमज़ोर है तो बोझ नहीं इतना उठा सकते तो 720 कर देने, अच्छा है तो 1080p बना देने। ठीक है, उसके बाद ये टैब को एज इट इज़ रहने देना, और ये जो टैब है इसमें 30 FPS कॉमन FPS 30 कर दीजिएगा, सो मतलब स्ट्रीम लैग नहीं होगी और मतलब जो रिकॉर्डिंग है वो भी 30 FPS पे होगी, तो लैग ही चाहिए। बस आज इतना सा काम है, इसका इतना सा यूज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। एक नज़र में आपको ये स्ट्रीम लैग्स भी दिखा देता हूँ, तो मैं अपना यूज़ करता हूँ। भैया चलो भैया, ये थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा मतलब आपको बताया नहीं, थोड़ा ठीक वर्जन स्ट्रीम लैब इसके प्रोफेशनल यूज़ पे जाता है, प्रोफेशनल जो स्ट्रीमर्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, सही है, मैं भी ये यूज़ करता हूँ, इतना प्रोफेशनल नहीं है लेकिन बेसिकली के मतलब मज़े ज़्यादा हैं तो डेट से यूज़ करता हूँ। इसमें भी ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ये गो लाइव आपका, इसमें भी से एज इट इज़ सारी सेटिंग वही स्ट्रीम की और आउटपुट, और ये देखो इसमें मैं 3500 रखा हुआ है, और AMD, ठीक है, जो मेरा हार्डवेयर जो होता है आपका इस पर रखना है, ग्राफिक कार्ड इस पर रखा हुआ, MP4 एज इट इज़ सारा कुछ वही। अब इधर और कोई टैब नहीं छेड़नी, इसमें हमेशा 30 FPS 1080p, ठीक है, कॉमन FPS, सही है, तो ये कुछ रखना आपने। तो चलते हैं, बाकी आपको लाइव स्ट्रीम में मिलूंगा। होप सो आपको समझ आ गई हो कि कैसे आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है और कैसे आपने रिकॉर्डिंग है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग का समझा दूं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग का भी समझना है तो लाइव स्ट्रीमिंग का मुझे फिर कमेंट करके बता देना कि जी यार लाइव स्ट्रीमिंग का भी समझा दूं, तो उसका भी मैं कर दूंगा। तो ये बेसिकली वीडियो सिर्फ रिकॉर्डिंग तक की थी और उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग, ठीक है। तो मिलते हैं आपको लाइव स्ट्रीम में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।